नमस्कार, आज हम इस्लामिक सत्ता के प्रवेश काल में नृत्य के बारे में जानेंगे। इसी पूर्व 1000 से 1290 ईस्वी तक का काल मुसलमानों के आगमन और इस्लाम धर्म के अभ्युदय काल माना जाता है। भारतीय इतिहास के अन्य संक्रमण काल का इसमें अपना एक मौलिक महत्व है। भारत में मुसलमान पहले तो लुटेरे के रूप में प्रविष्ट हुए, फिर धीरे धीरे यहाँ अपने पैर पसारने लगे और भारतीय जनजीवन, सभ्यता, संस्कृति को सभी क्षेत्रों में महान अराजकता पैदा करती। मुस्लिम प्रवेश का काल भारतीय संगीत के लिए अभिशाप बन गया। इस काल में भारतीय संगीत को एकदम कुचल कर रख दिया। उसमें जो रोशनी दिखाई देती थी उसे एकदम बुझा दिया। उसमें कतई सम्मान नहीं था। इस काल को उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। मुसलमान अपने साथ कुछ कलाकार भी लाए थे और वो सिर्फ अपने शासक और अपने दरबार का ही सम्मान करते थे। इस काल में भारतीय संगीत जिधर जाना था उधर न जा सका और उसकी मंजिल दूसरी ही हो गई, उसका रास्ता परिवर्तित हो गया। भारतीय संगीत को जिधर चलना था उसका मार्ग बदलने का क्रूर कार्य मुस्लिम बादशाहों ने किया। पर हम इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि सभी मुस्लिम बादशाह ऐसे ही संकीर्ण विचारों के थे, लेकिन अधिकांश मुस्लिम बादशाहों ने जितने सबसे पहले भारत में प्रवेश किया उन्होंने भारतीय संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और देश की दौलत को लूट कर, देश के वैभव को लूट कर, देश की संस्कृति को ठोकर मार दी। ऐसा नहीं है ये परिवर्तन अचानक हो गया, इसमें 300 वर्ष लगे। इसका मुख्यतः प्रभाव दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा रहा। दक्षिण भारत में इसकी हलचल बहुत कम हुई। फलस्वरूप दक्षिण भारत में हिंदू शासक का शासन काल अधिक रहा और बहुत लंबे समय तक रहा। दक्षिण में संगीत विज्ञान की सुरक्षा और क्रमोन्नति हुई। वस्तुतः देखा जाए कि यह युग दिल्ली सत्ता के छिन्न भिन्न होने से छोटे छोटे हिंदू राज्य राज के सत्ता में आने लगे। चंदेल राजाओं ने विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर भी 11वीं सदी से 13वीं शताब्दी के बीच ही बनाए गए थे। इसी काल में संस्कृत के कवि जयदेव हुए। इस संक्रमण काल में जहां हमने बहुत कुछ खोया है वहीं नवीन परंपरा का प्रादुर्भाव भी हुआ है। दोस्तों, आप हमसे क्या देखना क्या सुनना चाहते हैं हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए ताकि हम आपकी इच्छा पूरी कर सकें। आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर नए जोश, नई उमंग और नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।